प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी में फिलहाल मिश्का प्रिशा और सारांश के रिश्ते के हाथ धो के पीछे पड़ गई है। आलम कुछ इस कदर है कि मिश्का सारांश और प्रिशा के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने का कोई भी मौका हाथ से खाली नहीं जाने देती। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर होने वाला है प्रिशा और मिश्का का तगड़ा फेस ऑफ, जहाँ पर प्रिशा साफ लफ्जों में मिश्का को ये समझाती हुई नजर आएगी कि वो एक माँ है, वो भी सारांश की माँ। सारांश और उसका रिश्ता अनब्रेकेबल है। अगर उसने कुछ भी ऐसा हरकत करने की कोशिश की जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते पर कोई भी अफेक्ट होता है तो वो मिश्का को नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रिशा मिश्का को धमकी देती हुई नजर आएगी और कहेगी कि मैं एक माँ हूँ, तुम मेरी मदरहुड को चैलेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया तो ऐसा ना हो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। आने वाले टाइम में आप देखने वाले हैं कि मिश्का का जो राज है, उसका जो प्लान है, वो प्रिशा के आगे खुल जाएगा कि वो युवराज, सुलोचना और कबीर के साथ मिली हुई है और वो जानबूझकर इंटेंशनली ये सब कुछ कर रही है ताकि सारांश के दिल और दिमाग में प्रिशा के लिए गलतफहमी वो क्रिएट कर पाए। लेकिन असली धक्का तो प्रिशा और रुद्र को तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस सनी के लिए वो अपने ही बच्चे सारांश के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी उनका अपना बच्चा नहीं है बल्कि ये उनके प्लान का एक हिस्सा है। उसके बाद रुद्राक्ष क्या करेगा कबीर सुलोचना का और मिश्का के साथ, ये देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग।